भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट में जीका वायरस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक अध्ययन से ये पता चला है कि केरल में जीका वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था। बता दें कि केरल में बीते साल जुलाई में जीका का पहला मामला सामने आया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक महीने के भीतर जीका के मामलों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उनके परिवार के सदस्यों में भी समान लक्षण नहीं थे। ऐसा माना जा रहा है कि जीका वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था। स्टडी में देश के अन्य हिस्सों में भी जीका की निगरानी करने के सुझाव दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केरल में जीका का मामला सामने आया था। जीका की यूपी और राजस्थान में भी कई मामले सामने आए थे। जीका वायरस के लक्षण डेंगू के जैसे होते हैं। इसमें बुखार, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते और जोड़ों का दर्द और आंखों का लाल होना शामिल है। जीका वायरस के कारण संक्रमित व्यक्ति 7 से 8 दिनों तक प्रभावित रहता है। यह वायरस गर्भवती महिला को ज्यादा प्रभावित करता है। इसके कारण जन्म लेने वाला बच्चा अविकसित दिमाग के साथ पैदा होता है। इसी वजह से हमें इससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम lalluram.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए lalluram.com। जो कहीं नहीं वो यहाँ है, जो सही है वो यहाँ है, जो देश दुनिया में है वो यहाँ है, एक स्पष्ट सोच यहाँ है, हर परिवर्तन की खबर यहाँ है, हर लोगों की बुलंद आवाज यहाँ है, राजनीति, खेल, फिल्म, उद्योग, विज्ञान की हर बात यहाँ है, हर अधिकारों की बात यहाँ है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष यहाँ है, हर कर्तव्यों की बात यहाँ है, यहाँ है lalluram.com। सच कहेंगे लल्लूराम। मध्य प्रदेश की पवित्र मिट्टी का चंदन लगाकर आ गया है मध्य प्रदेश में lalluram.com। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश की हर खबर सबसे पहले देखिए lalluram.com पर। lalluram.com, सच कहेंगे लल्लूराम।